हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 9 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश में टाइगर नाडिया के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जानवरों में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। तो हाल ही में अमेरिका देश में एक टाइगर था, बाघिन थी, जिसका नाम था नाडिया, जिसका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस प्रकार से अमेरिका दुनिया का पहला देश बन गया है जहाँ पर जानवरों में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ब्रोक्स चिड़ियाघर में 4 वर्षीय मादा टाइगर जिसका नाम था नाडिया, जिसका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। पिछले महीने इस चिड़ियाघर का एक कर्मचारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद दुनिया का यह पहला केस है जहां पर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद जानवर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। अगर हम बात करें अभी तक कोरोना वायरस के अपडेट की, तो 8 अप्रैल 2020 के रात्रि 12 बजे तक ये डाटा है। अब ये डाटा बदल गया होगा, रात्रि 12 बजे तक पूरी दुनिया में 14,93,737 कोरोना वायरस से केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें अभी तक यानी कि रात्रि 12 बजे तक 87,465 मृत्यु हो गई हैं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से। पूरी दुनिया में अभी तक सबसे ज़्यादा जो संक्रमित मामले आए हैं रात्रि 12 बजे तक किया है अमेरिका देश में। अमेरिका देश में अब तक कोरोना वायरस के 4 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। अगर हम बात करें मृत्यु की, तो पूरी दुनिया में अब तक की सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है इटली के लोगों की। अब तक की 17,000 से ज़्यादा लोगों की इटली में मौत हो चुकी है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में रात्रि 12 बजे तक अब तक 5,916 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 179 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर COVID-19 बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर COVID-19 बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत सरकारी अस्पताल या सैन्य सुविधा सेंटरों में कोरोना उपचार के लिए क्वारंटाइन किए गए लोगों की पॉलिसी धारक के तहत कवर किया जाएगा, उनका उपचार किया जाएगा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के वर्तमान में MD और CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ये भारतीय एयरटेल कंपनी है, उसकी एक सहायक कंपनी है। एयरटेल पेमेंट बैंक के वर्तमान में MD और CEO हैं अनुव्रत विश्वास। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम जान लेते हैं कि पेमेंट बैंक क्या होता है। तो पेमेंट बैंक वह बैंक होता है जो कि अपने खाताधारकों से 1 लाख रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकता है। पेमेंट बैंक लोन नहीं इशू कर सकता, यानी कि अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकता, ऋण नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता। लेकिन जो पेमेंट बैंक है सेविंग अकाउंट खोल सकता है, करंट अकाउंट खोल सकता है, साथ ही साथ जो पेमेंट बैंक है डेबिट कार्ड और ATM कार्ड इशू कर सकता है। अब आपको पेमेंट बैंक से 3 क्वेश्चन याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन है। तो भारत का पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। वर्तमान में भारत में टोटल 6 पेमेंट बैंक हैं, कौन कौन से, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक कौन है। तो भारत का एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन पेमेंट बैंक्स के मुख्यालय कहाँ हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय भी है नई दिल्ली में, फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में, जियो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय मुंबई में, पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में, NSDL पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने रक्षा सर्व नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में रक्षा सर्व नाम का जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो रक्षा सर्व नाम का मोबाइल ऐप है इसका उद्देश्य है
जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य गूगल मैप के माध्यम से जो क्वारंटीन लोग किए गए हैं कोरोना वायरस के कारण, उनको ट्रैक करना। तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गूगल मैप के माध्यम से क्वारंटीन किए गए लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्व नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। अब हम कुछ अन्य मोबाइल ऐप देख लेते हैं जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं। हाल ही में पंजाब के मोहाली पुलिस ने कोविड कंट्रोल नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य यही है जो कि छत्तीसगढ़ की पुलिस का उद्देश्य कि जो कि क्वारंटीन लोग किए गए हैं उनको ट्रैक करना, उन पर नज़र रखना। इसके अलावा IIT बॉम्बे ने क्वारंटाइन नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नज़र बनाए रखना। झारखंड राज्य में लॉकडाउन के दौरान जो अधिकारी सेवारत हैं उनको ई पास जारी करने के लिए प्रयागम नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसी प्रकार कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कोरोना वॉच नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश ने राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आरोग्य सेतु नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है, जिसका काम है कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उनको वहाँ पर गूगल GPS के माध्यम से दर्ज किया गया है। जो आरोग्य सेतु ऐप है ये बताता है कि आपका जो एरिया है अफेक्टेड है कोरोना वायरस से या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ऑटोमेटेड COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने के लिए निवेश किया है या घोषणा किया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने भारत की पहली ऑटोमेटेड COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने के लिए निवेश किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस ऐप का उद्देश्य होगा कि मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य विभाग को मरीजों की पहचान, लाइव निगरानी, ट्रैक और मॉनिटर करके वास्तविक समय की विश्लेषण जानकारी प्रदान करना, जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राज्य की राज्यपाल हैं तमिल साई सौंदर राजन, तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। जो हैदराबाद शहर ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर में चार मीनार स्थित है जबकि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद शहर में एक म्यूजियम है, संग्रहालय, जिसका नाम है सलारगंज संग्रहालय। तेलंगाना राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में घोषित किया है। यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद शहर को इस साल क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है। रेलवे ने हैदराबाद शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है, जिसका नाम रखा गया है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। हैदराबाद शहर जो है भारत का पहला ब्लॉक चेन जिला बना है। तो इतने क्वेश्चन आपको तेलंगाना राज्य से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के कारण अगले 1 महीने तक आपातकाल यानी कि इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है? तो हाल ही में कोरोना वायरस के कारण जापान देश ने अगले 1 महीना के लिए यानी कि 6 मई 2020 तक आपातकाल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, इमरजेंसी लागू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जापान। जापान देश ने COVID-19 के चलते अगले 1 महीने 6 मई 2020 तक देश में इमरजेंसी आपातकाल घोषित किया है। जापान देश जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। जापान देश की राजधानी टोक्यो। जापान देश की मुद्रा है एन। जापान देश की जो संसद है, पार्लियामेंट है, इसका नाम है डाइट। ये डाइट खाने वाला नहीं, ये जापानी भाषा का शब्द है। जैसे भारत की पार्लियामेंट का नाम है संसद, उसी प्रकार से जापान की संसद का नाम है डाइट। इसके अलावा अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 में खेले जाने थे समर ओलंपिक खेल, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो समर ओलंपिक खेल हैं इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये खेले जाएंगे 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में।
अब हम देख लेते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। तो मेनली भारत जापान के साथ चार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, कौन कौन सी? सिन्यू मैत्री, सहयोग कैजिन, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज, ये जो चार मिलिट्री एक्सरसाइज हैं भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। मालाबार एक्सरसाइज में भारत, जापान और अमेरिका तीन देश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए तथा उसको रोकने के लिए 5T योजना को शुरू किया है या 5T योजना को लॉन्च किया है? तो जो 5T योजना है इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T योजना को लॉन्च किया है। अब हम जान लेते हैं कि 5T योजना क्या है। तो 5T जो है ये 5 शब्दों से मिलकर बनी है योजना, कौन कौन सी? पहला है टी फॉर, फर्स्ट टी का मतलब है टेस्टिंग, दूसरी टी का मतलब है ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, ट्रिम वर्क और ट्रैकिंग, यानी कि सबसे पहले जो संक्रमित व्यक्ति हैं या फिर संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी टेस्टिंग करना, और जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में लोग आए हैं उनको ट्रेस करना, उनको पकड़ना, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करना, और कोरोना वायरस को से सफलतापूर्वक निजात पाने के लिए टीम वर्क करना, तथा जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनका ट्रैकिंग करना, एक रिकॉर्ड रखना, यही है 5T योजना जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी भी है तथा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिल्ली है भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मंत्रालय ने कोरोना वायरस के खिलाफ समाधान के लिए मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान शुरू किया है? तो समाधान नाम का एक जो ऑनलाइन चैलेंज है ये शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT के साथ मिलकर COVID-19 से निपटने के लिए ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है के अंतर्गत छात्र छात्राओं और फैकल्टी यानी कि टीचर के लोगों को नए प्रयोग एवं नई खोज के लिए प्रेरित करना। तो आप याद रखना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT ने समाधान नाम का एक ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है छात्र छात्राओं तथा फैकल्टी लोगों को नए प्रयोग के लिए, नए खोज के लिए प्रेरित करना। AICT जिसका पूरा नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनिल सहस्त्रबुद्धि। इसके अलावा हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने CBSE को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का आदेश दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए तथा देश के दुर्गम तथा दूरदराज इलाकों में हवाई जहाज से आवश्यक सामग्री तथा चिकित्सा सामग्री को भेजने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लाइफलाइन उड़ान नाम का पहल लॉन्च किया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम को शुरू किया है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के दौरान जो विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने COVID-19 के बारे में नवीनतम जानकारी साझा करने के लिए एक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है #IndiaFightsCorona के नाम से। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने COVID-19 से जुड़ी हर खबर को फैक्ट चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि कहीं वो न्यूज़ फेक तो नहीं है, COVID-19 फैक्ट चेक यूनिट नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसके अलावा COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस की लाइव अपडेट के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने COVID-19India.org नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार NHAI नाही द्वारा अब तक
का सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण किस वित्तीय वर्ष में किया गया है? तो NHAI द्वारा अब तक की सबसे ज़्यादा जो राजमार्ग है ये निर्माण किए गए हैं, बनाए गए हैं वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3,979 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माण किए गए अब तक की सबसे ज़्यादा राजमार्गों का दूरी है। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसका इंग्लिश में पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, NHAI के वर्तमान में चेयरपर्सन है सुखबीर सिंह संधू। अब आपको यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो भारत में राजमार्ग हैं यानी कि नेशनल हाईवे हैं, इसको बनाने वाली संस्था कौन है? तो इसको बनाने वाली संस्था है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन है? तो भारत का सबसे लंबा हाईवे है NH 44, जिसकी लंबाई है 3,806 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा हाईवे है, राजमार्ग है NH 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जिसकी लंबाई है 3,806 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है NH 966B, जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर, जो कि अरनाकुलम से कोच्ची को जोड़ता है, जो कि केरल राज्य में स्थित हैं दोनों शहर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोरोना वायरस महामारी के बीच कैबिनेट ने कितने वर्षों के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो हाल ही में कैबिनेट ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को अगले 2 साल के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, तथा इस जो सांसद निधि का विकास योजना का जितना भी पैसा है अब ये कोरोना वायरस में लगाया जाएगा। इससे 7,900 करोड़ रुपए की बचत होगी, इस राशि को भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा। साथ ही साथ कैबिनेट ने सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन के लिए 1 वर्ष के लिए 30% कम करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा भारत के जितने भी सांसद हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, तथा भारत के जितने भी राज्यपाल हैं, सभी अपने वेतन में अगले 1 साल तक 30% कम वेतन लेंगे। ये जो बैठक है ये की गई कैबिनेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, COVID-19 से संबंधित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो आपको बताना कि इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? इस समिति के अध्यक्ष होंगे अमिताभ कांत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अमिताभ कांत, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।